नमस्कार दोस्तों, रेडियो हिंदुस्तान से मैं वर्षा अग्रवाल बताने जा रही हूँ स्मार्ट वॉच के बारे में। स्मार्ट वॉच कितनी सुरक्षित होती है, स्मार्ट वॉच सुनिएगा। स्मार्ट वॉच से आप अपनी सेहत पर नज़र रखने के साथ साथ इसमें मैसेज, कॉल, जीपीएस और सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसमें सुविधाएं कई हैं, लेकिन यह घड़ी मोबाइल और ऐप से जुड़ी होती है, इसीलिए साइबर हमले का डर भी है। दरअसल स्मार्ट घड़ी आपके शरीर के घटकों, बॉडी कॉम्पोजिशन और गतिविधियों पर नजर रखती है। मोबाइल ऐप घड़ी से जुड़ा होता है, जिसमें सारा डेटा सुरक्षित होता है। यह डेटा आपके मोबाइल से कंपनी के सर्वर तक लगातार जाता रहता है। इस स्थिति में साइबर हमले दो प्रकार से हो सकते हैं। पहला, हैकर्स आपके मोबाइल का डेटा चुरा सकते हैं, और दूसरा कि वे कंपनी की वेबसाइट हैक करके सारा डेटा निकाल सकते हैं। ये डेटा थर्ड पार्टी एप्स तक भी पहुंच जाता है, जिसके कारण साइबर हमले का डर बना रहता है। स्मार्ट वॉच में बहुत ज्यादा सिक्योरिटी फीचर नहीं होते, इसीलिए सुरक्षा का ध्यान आपको ही रखना पड़ता है। जीपीएस, स्मार्ट वॉच का जीपीएस आपकी गतिविधियों का डेटा इकट्ठा करता है। इससे पता चलता है कि आप कब, कहां से और कितने बजे निकले या कहां आते जाते हैं। हैकर्स आपकी गतिविधियों पर नजर रख सकते हैं, जो सुरक्षा के लिहाज से सही नहीं है। ब्लूटूथ की मदद से हैकर्स आपके डिवाइस तक पहुंचने के लिए मालवेयर इंस्टॉल कर देते हैं, ताकि वे आपके डिवाइस को दूर से नियंत्रित कर सके। हमले के दौरान साइबर अपराधी फोन बुक, मैसेज, तस्वीर, ईमेल, कैलेंडर, पासवर्ड, फोटो व अन्य निजी जानकारी तक पहुंच सकते हैं। वे इसकी चोरी कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से फोन बुक और डेटा चुराने के लिए किया जाता है। हैकर्स फोन पर होने वाली बातचीत को सुन सकते हैं या फिर बातचीत को थर्ड पार्टी को दे सकते हैं। हैकर्स MMS पढ़ सकते हैं और उसका जवाब भी दे सकते हैं। डिवाइस के मालिक को सचेत किए बिना कॉल कर सकते हैं। ऑनलाइन खातों या फिर एप्स तक भी पहुंचना उनके लिए आसान होता है। तो कैसे रखें सुरक्षित स्मार्ट वॉच को, सुनिए। घड़ी को सुरक्षित रखने से पहले मोबाइल को सुरक्षित रखें। सार्वजनिक वाईफाई इंटरनेट कनेक्शन से दूर रखें। संवेदनशील स्थानों पर जाते समय ट्रैकिंग बंद कर सकते हैं। यह सुविधा लगभग हर स्मार्ट वॉच में होती है। जब घड़ी का उपयोग ना हो तो इसे बंद कर दें या फोन का यूट्यूब कनेक्शन बंद कर दें, ताकि यह फोन से डिसकनेक्ट हो जाए। किसी भी ऐसी डिवाइस के साथ पेयर न करें जिसे पहचानते नहीं हैं। अजनबियों की तरफ से आने वाले किसी भी पेयरिंग रिक्वेस्ट को कभी भी स्वीकार न करें। अपने मोबाइल स्मार्ट वॉच का सॉफ्टवेयर अपडेट रखें। अपने मोबाइल और स्मार्ट वॉच का सॉफ्टवेयर अपडेट रखें, ताकि हैकर सुरक्षा खामियों का फायदा न उठा सके। घड़ी का जीपीएस ऑन होने के कारण आपकी गतिविधियां भी ट्रैक होती रहती है, इसलिए सेटिंग विकल्प में जाकर लोकेशन सर्विस बंद कर दें। मोबाइल के यूट्यूब के माध्यम से, ब्लूटूथ के माध्यम से संवेदनशील जानकारी साझा करने से बचें। इसमें बैंक की जानकारी, पासवर्ड, निजी फोटो व अन्य निजी जानकारी शामिल है। स्मार्ट वॉच का डेटा रोज डिलीट करते रहें। रात को हैकर्स अधिक सक्रिय रहते हैं, इसलिए इस दौरान मोबाइल का इंटरनेट बंद रखें और घड़ी को बंद कर दें। तो आप समझ ही गए होंगे स्मार्ट वॉच हमारे लिए कितनी सुरक्षित है और कितनी असुरक्षित। तो इसका ध्यान स्वयं रखें। इसी के साथ लेते रहिए श्री राम का नाम, करते रहिए अपना काम, और ये है रेडियो हिंदुस्तान। और पेड़ बचाएं, पेड़ लगाएं, जल बचाना सिखाएं, जल बचाएं। धन्यवाद।